तो कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन होता है तो उसका रिटर्न टाइप होता है पक्का। आपको बस इसके आगे यह बताना है कि उसका रिटर्न टाइप क्या है। तो आप मुझे बताओ यहां पे यह फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अभी इसका डेटा टाइप क्या है जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, इंटीजर। तो मैंने इस फंक्शन के आगे लिख दिया इंट, इंट। तो यदि इस फंक्शन के आगे आपने इंट लिखा है तो किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन के आगे लिखा हुआ डेटा टाइप उसके रिटर्न टाइप को इंडिकेट करता है। यदि आपने फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न की है तो उसके आगे उसके डेटा टाइप लिखना है, और जो डेटा टाइप आपने फंक्शन के डेफिनेशन के आगे लिखा है यह उसके रिटर्न टाइप को इंडिकेट करता है कि यह फंक्शन इस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब आपने अगर इंट लिखा है और रिटर्न नहीं किया तो एरर आएगी प्रोग्राम में, राइट? आई बात समझ में? लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन यह भी आता है कि सर जरूरी थोड़ी हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे। मान लो अगर मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया डिजाइन के नाम से कि मैं इससे कुछ वैल्यू डिजाइन करना चाहता हूं, कि मैंने बोला कि भैया जब भी ये फंक्शन कॉल हो इस तरीके का कोई आउटपुट आ जाए, ये ऐसा कुछ मेरे को डिजाइन करना है, मेनू डिजाइन करना है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। मतलब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है, या मुझे कुछ स्टार इस तरीके से कुछ आपने एक डिजाइन फंक्शन बना लिया कि सर मुझे इससे तो कुछ रिटर्न करवाना ही नहीं है। मान लो आपने ऐसा कुछ डिजाइन फंक्शन बनाया, बनाएंगे अपन जब ग्राफिकल एप्लीकेशन में आएंगे। अब आपने ये फंक्शन बनाया, अब आपके पास रिटर्न करने के लिए कुछ है ही नहीं, और आप बोल रहे हो सर कि फंक्शन डिफाइन हुआ तो उसके आगे उसका रिटर्न टाइप तो लिखना पड़ेगा। तो पहली बात यह सुनना कि यदि आपने रिटर्न टाइप नहीं लिखा, पहला कॉन्सेप्ट तो यह कि अगर आपने रिटर्न टाइप नहीं लिखा तो क्या होगा। यदि सी प्लस प्लस में आपने किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं बताया तो उस फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इंट होता है। सी प्लस प्लस में फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इंट होता है। यह बात दिमाग में बिल्कुल नोट सेट, जो कर सकते हो कर लेना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन इन सी प्लस प्लस। द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज इंटीजर। तो यदि आपने इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो आपका कंपाइलर इसको रिटर्न टाइप क्या मानेगा, इंट, इंट मानेगा। तो आपको लास्ट में कुछ तो रिटर्न करवाना पड़ेगा। मतलब कहने का ये कि यदि आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है तो आप इंट लिखो या ना लिखो, इट इज द सेम। आप नहीं भी लिखोगे तो भी फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या माना जाएगा, इंटीजर, क्योंकि डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इंटीजर है।